तो मेरे भाइयों, आज की ये वीडियो अपनी सिर्फ और सिर्फ होने वाली उन टॉप 10 खिलाड़ियों के ऊपर जिन्होंने आईपीएल इतिहास में कप्तानी करते हुए आज तक सबसे ज्यादा रन बनाए। और इसके साथ भाइयों, इस वीडियो के अंदर एक से बढ़कर एक दिग्गज कप्तानों के नाम है, लेकिन इन टॉप 10 दिग्गज कप्तानों में से कुछ कप्तान ऐसे हैं जो आईपीएल नहीं खेलते, और कुछ कप्तान ऐसे हैं जो आईपीएल खेलते लेकिन कप्तानी नहीं करते, और कुछ कप्तान ऐसे हैं जो आईपीएल खेलते भी हैं और कप्तानी भी करते। लेकिन इन सभी दिग्गज कप्तानों में से किस कप्तान ने सबसे ज्यादा रन बनाकर हमारे इस वीडियो में नंबर 1 के पायदान पर अपना नाम दर्ज करा रखा है, आइए आपके इस कीमती समय को बर्बाद न करते हुए जल्दी से पता लगा लेते हैं। तो मेरे भाइयों, आईपीएल इतिहास में कप्तानी करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 10वें नंबर पर आते हैं वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग सर ने आईपीएल इतिहास में कप्तानी करते हुए कुल 53 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 31.10 की एवरेज से कुल 1524 रन बनाए हैं। इसमें इनके नाम 11 अर्धशतक और 1 शतक भी है, साथ ही इनका बेस्ट स्कोर आईपीएल में कप्तानी करते हुए 119 रन का। और साथ ही भाई, वीरेंद्र सहवाग सर ने आईपीएल के अंदर दिल्ली और पंजाब टीम की कप्तानी करी, और कप्तानी करते हुए उन्होंने अपने 53 मैचेस में से 28 मैचेस में जीत हासिल करी और 24 मैचेस ये हारे हैं और एक मैच इनका टाई रहा है। नंबर नेक्स्ट सुरेश अय्यर। सुरेश अय्यर सर ने अपने आईपीएल करियर में कप्तानी करते हुए कुल 55 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 32.86 की एवरेज से कुल 1643 रन बनाए हैं। इसमें इनके नाम 11 अर्धशतक भी है, साथ ही इनका बेस्ट स्कोर आईपीएल में कप्तानी करते हुए नाबाद 93 रन का। और इसी के साथ भाई, सुरेश अय्यर सर ने आईपीएल के अंदर अब तक दिल्ली और कोलकाता टीम की कप्तानी करी, और कप्तानी करते हुए उन्होंने अपने 55 मैचेस में से 27 मैचेस में जीत मिली और 26 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है और 2 मैचेस इनके टाई रहे। नंबर नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर सर ने अपना आईपीएल करियर में कप्तानी करते हुए कुल 51 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 40.06 की एवरेज से कुल 1723 रन बनाए हैं। इसमें इनके नाम 10 अर्धशतक और 1 शतक भी है, साथ ही इनका बेस्ट स्कोर आईपीएल में कप्तानी करते हुए नाबाद 100 रन का। और साथ ही भाई, अपने ग्रेटेस्ट सचिन तेंदुलकर सर ने अपना आईपीएल करियर में सिर्फ और सिर्फ मुंबई इंडियंस टीम की कप्तानी करी, और कप्तानी करते हुए अपने 51 मैचेस में से इन्हें 30 मैचेस में जीत मिली और 21 मैचेस में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। नंबर नेक्स्ट एडम गिलक्रिस्ट। एडम गिलक्रिस्ट सर ने अपने आईपीएल करियर में कप्तानी करते हुए कुल 74 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 26.76 की एवरेज से कुल 1900 रन बनाए हैं। इसमें इनके नाम 11 अर्धशतक और 1 शतक भी है, साथ ही इनका बेस्ट स्कोर आईपीएल में कप्तानी करते हुए 106 रन। और साथ ही भाई, एडम गिलक्रिस्ट सर ने अपने आईपीएल करियर में डेकिंग चार्जेस और पंजाब टीम की कप्तानी करी, और कप्तानी करते हुए अपने 74 मैचेस में से 35 मैच में जीत और 39 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा। और साथ ही अपनी कप्तानी में इन्होंने 2009 में डेकिंग चार्जेस टीम को चैंपियन बनाया था। नंबर नेक्स्ट केएल राहुल। केएल राहुल सर ने अपने आईपीएल करियर में कप्तानी करते हुए अब तक कुल 47 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 53 की एवरेज से कुल 2067 रन बनाए हैं। इसमें इनके नाम 16 अर्धशतक और 3 शतक भी है, साथ ही इनका बेस्ट स्कोर आईपीएल में कप्तानी करते हुए नाबाद 132 रन का। और इसी के साथ भाइयों, केएल राहुल सर ने अपने आईपीएल करियर में पंजाब और लखनऊ टीम की कप्तानी करी, और कप्तानी करते हुए अपने 47 मैचेस में से 23 मैचेस में जीत और 22 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा, साथ ही इनके 2 मैचेस टाई रहे। नंबर नेक्स्ट डेविड वार्नर। डेविड वार्नर सर ने अपने आईपीएल करियर में कप्तानी करते हुए अब तक कुल 74 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 47.20 की एवरेज से कुल 3068 रन बनाए हैं। इसमें इनके नाम 29 अर्धशतक और 1 शतक भी है, साथ ही इनका बेस्ट स्कोर आईपीएल में कप्तानी करते हुए 126 रन का। और साथ ही भाई, डेविड वार्नर सर ने अपने आईपीएल करियर में हैदराबाद और दिल्ली टीम की कप्तानी करी, और कप्तानी करते हुए अपने 74 मैचेस में से 37 मैचेस में हार और 35 मैचेस में जीत मिली है, साथ ही इनके 2 मैचेस टाई भी रहे। इसी के साथ इन जनाब ने अपनी कप्तानी में 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को चैंपियन भी बनाया था। नंबर नेक्स्ट गौतम गंभीर। गौतम गंभीर सर ने अपने आईपीएल करियर में कप्तानी करते हुए कुल 129 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 31.13 की एवरेज से कुल 3518 रन बनाए हैं। इसमें इनके नाम 31 अर्धशतक भी है, साथ ही इनका बेस्ट स्कोर 93 रन का। और साथ ही भाई, गौतम गंभीर सर ने अपने आईपीएल करियर में कोलकाता और दिल्ली टीम की कप्तानी करी, और कप्तानी करते हुए अपने आईपीएल करियर में 129 मैचेस में से 71 मैचेस में जीत और 57 मैचेस में हार मिली है, साथ ही इनका एक मैच टाई रहा है। और इसी के साथ भाई, गौतम गंभीर सर ने अपने आईपीएल करियर में कप्तानी करते हुए 2012 और 2014 में कोलकाता की टीम को 2 बार आईपीएल का चैंपियन भी बनाया। नंबर नेक्स्ट रोहित शर्मा। रोहित सुपरहिट शर्मा सर ने अपने आईपीएल करियर में कप्तानी करते हुए अब तक कुल 147 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 28.92 की एवरेज से कुल 3789 रन बनाए हैं। इसमें इनके नाम 24
अर्धशतक दिए, साथ ही इनका बेस्ट स्कोर आईपीएल में कप्तानी करते हुए नाबाद 98 रनों का है। और इसी के साथ भाइयों आईपीएल इतिहास के सबसे सफल कप्तान रोहित शर्मा सन्ने अपने आईपीएल करियर में सिर्फ मुंबई इंडियंस टीम की कप्तानी करी और अपनी कप्तानी में उन्होंने अपने 147 मैचेस में से 81 मैचेस में जीत और 62 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है, साथ ही इनके 4 मैचेस टाई भी रहे। और साथ ही भाइयों हमें भूलना नहीं चाहिए कि रोहित शर्मा सर आईपीएल इतिहास के एक लौते ऐसे कप्तान है जिन्होंने अपनी टीम को 5 बार आईपीएल का चैंपियन बनाया है। नंबर नेक्स्ट एमएस धोनी। महेंद्र सिंह धोनी सन्ने अपने आईपीएल करियर में कप्तानी करते हुए अब तक कुल 215 मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने 40.48 की एवरेज से कुल 4615 रन बनाए हैं, इसमें इनके नाम 22 अर्धशतक दिए, साथ ही इनका बेस्ट स्कोर आईपीएल में कप्तानी करते हुए नाबाद 84 रन का। और इसी के साथ भाई कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी सन्ने अपने आईपीएल करियर में पुणे और चेन्नई सुपर किंग्स टीम की कप्तानी करी और कप्तानी करते हुए अपने आईपीएल करियर में इन्होंने अपने 215 मैचेस में से 126 मैचेस जीते और 88 मैचेस में हार का सामना भी करना पड़ा, साथ ही इनके एक मैच का निर्णय नहीं निकला। और इसी के साथ भाई जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी सन्ने आईपीएल इतिहास में चेन्नई सुपर किंग्स टीम को 4 बार आईपीएल का चैंपियन भी बनाया है। तो चलिए भाई इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले कप्तान की तरफ। तो आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तानों की लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं विराट कोहली सर। विराट कोहली सन्ने अपने आईपीएल करियर में कप्तानी करते हुए कुल 140 मैचेस खेले जिसमें उन्होंने 42.07 की एवरेज से कुल 4881 रन बनाए हैं, इसमें इनके नाम 35 अर्धशतक और 5 शतक भी है, साथ ही इनका बेस्ट स्कोर आईपीएल में कप्तानी करते हुए 113 रन का है। और साथ ही भाई विराट कोहली सन्ने आईपीएल में सिर्फ बेंगलोर टीम की कप्तानी करी क्योंकि ये खेले ही सिर्फ उस टीम के लिए, इसी के साथ इन्होंने अपने 140 मैचेस में से 64 मैचेस जीते हैं और 69 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा, साथ ही इनके 3 मैचेस टाई रहे और 4 मैचेस का इनका निर्णय नहीं निकला। तो चलिए भाई इसी के साथ ये बात तो हो गई आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 कप्तानों की। इसी के साथ भाई इस साल के आईपीएल में आपके हिसाब से कौन सी टीम का कप्तान बनाएगा सबसे ज्यादा रन, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी तरफ से एक आंसर जरूर बताएं। तो चलिए मेरे भाइयों इसी के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा से भी अच्छी और यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और आगे भी अपने इस चैनल पर क्रिकेट की ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। इसी के साथ मैं आप सबसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब ऐसे ही तहलका मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो, अपने इस भाई को मत भूल देना यार।